हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए जो परीक्षण लाया, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, क्योंकि दोस्तों कोविड का समय चल रहा है और कोविड के समय में कोई भी परीक्षण जो है दोस्तों, कोई भी खिलाड़ी को एंड मौके पर कोरोना हो जाता है। तो अगर एंड मौके पर कोई भी परीक्षण चेंज होगी तो आपको जो है टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो लिंक जो है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है, तो फटाफट ज्वाइन हो जाएगा इस बिना किसी देरी के, क्योंकि सेशंस भी मिलेंगे आपको। PSL के मैचेस में सेशंस भी मैं दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना ना भूलें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर आपको सभी मैचेस की मैच प्रेडिक्शन फ्री में मिलेगी। खासतौर PSL तो मैं पूरा कवर करूँगा, वो भी बेस्ट एनालिसिस के साथ, ठीक है गाइस। तो आज मैं आपके लिए PSL 2022 के दोस्तों जो है दोस्तों फर्स्ट मैच की मैच प्रेडिक्शन, और जो फर्स्ट मुकाबला है ये खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स के बीच। दोस्तों ये जो मुकाबला है ये होगा कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो मैच में जाने से पहले अगर दोनों टीमों के प्लेयरों पर नजर डालूँ तो दोस्तों कराची किंग्स के पास जो बल्लेबाज हैं वह हैं बाबर आजम, इमाद वसीम, मोहम्मद रबी, जो क्लार्क जैसे प्लेयर्स, शर्जील खान जैसे प्लेयर दोस्तों, लुइस ग्रेगरी जैसे प्लेयर। वहीं अगर दोस्तों मैं मुल्तान सुल्तान की बल्लेबाजी में न डालूँ तो मोहम्मद रिजवान, रायली रूसो, शोएब मकसूद, शान मकसूद, खुशदिल शाह, टिम डेविड, ओडेन स्मिथ आपको पहले कुछ मैचों में खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन बाद के मैचों में जब वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब आपको देखने में नज़र आएंगे। जॉनसन चार्ल्स भी हैं दोस्तों, डेविड विली भी हैं, डोमिनिक डाक्स भी हैं, ये भी डोमिनिक डाक्स भी आपको शुरू के मैचेस में खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो दोस्तों अगर मैं पलड़ा भारी की बात करूँ तो मुल्तान सुल्तान्स का पलड़ा बहुत भारी है दोस्तों बल्लेबाजी में। अब आइए दोस्तों दोनों टीमों की गेंदबाजी में न डालते। सबसे पहले अगर मैं कराची किंग्स की गेंदबाजी में न डाल लूँ तो उनके पास जो गेंदबाज है दोस्तों वह हैं आपका मोहम्मद इलियास, मोहम्मद आमिर, लुइस ग्रेगरी, क्रिस जॉर्डन शुरू के मैचों में नज़र नहीं आएंगे, जॉर्डन थॉप्सन जैसे प्लेयर दोस्तों। और वहीं अगर मैं जो मुल्तान सुल्तान की गेंदबाजी है उस पर न डालूँ तो उनके पास जो गेंदबाज हैं वह हैं इमरान ताहिर, शहनवाज हानी, ओडेन स्मिथ जैसे गेंदबाज दोस्तों, और आपका डेविड विली जैसे गेंदबाज, रुमान रईस जैसे गेंदबाज, अनवर अली जैसे गेंदबाज, ब्लेसिंग मुजरबानी जैसे गेंदबाज दोस्तों। तो अगर मैं पलड़ा भारी की बात करूँ तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही मुझे जो है मुल्तान सुल्तान का पलड़ा भारी लग रहा है। और ये जो मुकाबला है दोस्तों ये होगा आपका 27 जनवरी की दोस्तों रात को 8 बजे, याद रखिएगा भारतीय समय अनुसार। और ये जो मुकाबला होने वाला है कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, तो उसके अगर मैं की प्लेयर्स जो पिच रिपोर्ट है उसकी बात करूं तो पिच रिपोर्ट कराची नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की कुछ इस प्रकार है। मैं आपको इंटरनेशनल T20s और डोमेस्टिक T20s के आंकड़े बताता हूँ, ठीक है गाइस। तो जो इंटरनेशनल T20 यहाँ पर 6 खेले गए हैं, पहले बैटिंग करने वाली ने जीते हैं 5, बाद में बैटिंग करने वाली ने 1 मुकाबला जीता है। एवरेज स्कोर इंटरनेशनल T20 में रहा है 189 रन्स पहले बैटिंग करके, और हाईएस्ट स्कोर रहा है पाकिस्तान का 205 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट स्कोर रहा है 60 रन पर, ऑल आउट हो गई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम। इंटरनेशनल मैचेस में जो स्कोरिंग पैटर्न रहा है 150 से नीचे कभी भी नहीं बना, 150 से ऊपर ही बना है, 150 से 169 एक बार बना, 170 से 189 एक बार बना, 190 से ऊपर का स्कोर 4 बार बनाया। तो स्कोरिंग ग्राउंड है, काफ़ी अच्छी बैटिंग होती है यहाँ पर। और डोमेस्टिक मैचों में टोटल 34 मैच हुए हैं, 9 जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली ने और 25 जीते हैं बाद में चेस करने वाली टीम ने। एवरेज स्कोर रहा है डोमेस्टिक T20s में पहले बैटिंग करके 168 रन, हाईएस्ट स्कोर है इस्लामाबाद यूनाइटेड का 238 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे, लोएस्ट स्कोर भी इस्लामाबाद का 118 पे ऑल आउट हो गई थी। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ 150 से नीचे का स्कोर 10 बार बनाया, 150 से 169 के बीच का स्कोर 8 बार बनाया, 170 से 189 के बीच का स्कोर 7 बार बनाया, और 190 से ऊपर का स्कोर 9 बार बनाया दोस्तों। और अगर मैं ड्रीम इलेवन के लिए जो बेस्ट प्लेयर्स है दोनों टीम में उसकी तरफ मैं बात करूं तो कराची किंग्स की तरफ से दोस्तों मुझे लगता है आप पिक कर लीजिएगा जो क्लार्क को। बाबर आजम एक थोड़ा सा रिस्की पिक हो सकते हैं क्योंकि पहले मैच में उतना परफॉर्म करते नहीं है वो, ठीक है गाइस। और आप जो है
लुइस ग्रेगरी को पिक कर लीजिएगा, अगर खेले तो वो ज़रूर अच्छा करेंगे। और मुल्तान सुल्तान की तरफ से तो दोस्तों मोहम्मद रिजवान को ज़रूर लीजिएगा, ये प्लेयर की तो बात ही अलग है, हर मैच में चलता है। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपको एक बता दूँ, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक क्रिकेट फ़ैन होने के नाते मैं मोहम्मद रिजवान को बहुत हाईली रेट करता हूँ। और दोस्तों जो दूसरे प्लेयर आप ले सकते हैं वो है आपका टिम डेविड अच्छा करेंगे, और आपके इमरान ताहिर ड्रीम इलेवन पिक के लिए बेस्ट होंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वीडियो के आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक प्रेडिक्शन ऐप का लिंक मिलेगा, तो फटाफट जाकर उस प्रेडिक्शन ऐप के लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें, प्रेडिक्ट करें कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम मैच जीतेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको मेरे दोनों टेलीग्राम चैनल के स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाएगा। कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच प्लेयर चेंज होता है तो उसके अपडेट मैं टेलीग्राम में देता हूँ दोस्तों, और बहुत से छोटे छोटे मैच होते हैं जिनकी वीडियो नहीं बना पाता, पर उनकी मैच परीक्षण आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलती है, तो ज्वाइन हो जाएगा। सेशंस और फैंटेसी टीम्स के लिए भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि दोस्तों जिस तरीके से कोविड फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है चारों तरफ, किसी भी प्लेयर को एंड मौके पे कोरोना हो जाता है, तो अगर दोस्तों कोई भी प्लेयर को कोरोना होता है और कोई प्रेडिक्शन चेंज होती है तो फाइनल प्रेडिक्शन जो है दोस्तों आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे मिलेगी, तो ज्वाइन होना ना भूले। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी स्क्वाड का कुछ पक्का नहीं है, टीम्स के प्लेयर्स के नाम दिख रहे हैं पर ये नहीं पता कि कौन से प्लेयर खेलेंगे, एक्चुअली में वो टॉस के बाद ही पता चलेगा। तो जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो आपको दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वैसे मैं वीडियो में आपको प्रेडिक्शन अपनी बताऊंगा, पर फाइनल प्रेडिक्शन के लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन ना होना ना भूले। अगर आप चैनल में ज्वाइन नहीं होते टेलीग्राम तो इसमें आप ही का लॉस है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे नाम पे टेलीग्राम पे, तो अगर आप उन फेक चैनलों से बच के रहना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है उसी से ज्वाइन हो, क्योंकि उसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई लिंक मिले मेरे टेलीग्राम का तो ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात और बताता चलूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी मैचेस की बेस्ट प्रेडिक्शन मिलती है, वो भी बेस्ट एनालिसिस के साथ। ओके गाइस, तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी वो होगी मुल्तान सुल्तान, जी हाँ दोस्तों मुल्तान सुल्तान से मुकाबले जीतेगी मेरे हिसाब से, पर फाइनल प्रेडिक्शन के लिए टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो, लिंक जो दोस्तों आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनल प्रेडिक्शन आपको टॉस के बाद ही मिलेगी, हालांकि मैंने वीडियो में बता दिया कि आपको मेरे हिसाब से मुल्तान सुल्तान से मुकाबला जीतेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।